प्यारे बच्चों आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कक्षा पांच हिंदी का पाठ छ चिट्ठी का सफर आज हम पाठ से संबंधित व्याकरण करेंगे कठिन शब्द व अर्थ प्रवासी प्रवासी का अर्थ होता है अपने देश या शहर से बाहर रहने वाले इंग्लिश में माइग्रेंट प्रशिक्षित प्रशिक्षित का अर्थ होता है अच्छी तरह से सीखे हुए जैसे ट्रेंड टीचर्स इंग्लिश में आप कहेंगे ट्रेंड मुख्यालय मुख्यालय का अर्थ होता है मुख्य कार्यालय या प्रधान कार्यालय इंग्लिश में आप कहेंगे हेड ऑफिस इकट्ठा इकट्ठा का अर्थ होता है एक साथ जैसे ये लकड़ियां एक साथ बंधी हैं इंग्लिश में आप कहेंगे टुगेदर प्रजाति प्रजाति का अर्थ होता है किस्म जैसे ये पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां हैं इंग्लिश में स्पेशस ज़रूरत ज़रूरत का अर्थ होता है आवश्यकता जैसे हमें नेचर की आवश्यकता होती है इंग्लिश में नीड इमारत किसी भी भवन को इमारत कहा जा सकता है इंग्लिश में आप कहेंगे बिल्डिंग निरंतर निरंतर का अर्थ है बिना रुके या लगातार इंग्लिश में आप कहेंगे कंटिन्यूसली इम्तिहान इम्तिहान का अर्थ होता है परीक्षा जैसे आपकी भी होती है इंग्लिश में आप कहेंगे एग्जाम सफर सफर का अर्थ होता है यात्रा इंग्लिश में आप कहेंगे ट्रैवल चिट्ठी चिट्ठी का अर्थ होता है लिखित में संदेश देना या पत्र इंग्लिश में आप कहेंगे लेटर स्थान किसी भी जगह को हम स्थान कह सकते हैं इंग्लिश में आप कहेंगे प्लेस दुर्गम दुर्गम का अर्थ होता है जहां जाना मुश्किल हो कठिन इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं पाथलेस जाहिर है से अर्थ होता है स्पष्ट है जैसे भारत के इस मानचित्र में सभी राज्य जाहिर हैं इंग्लिश में क्लियर गौर से गौर से का अर्थ होता है ध्यान से जैसे यह बच्चा इस बुक को गौर से पढ़ रहा है इंग्लिश में केयरफुली हर कार्य पैदल चलकर संदेश पहुंचाने वाले लोगों को हर कार्य कहा जाता है इंग्लिश में आप कहेंगे रनर गंतव्य गंतव्य का अर्थ होता है वह स्थान जहां हम पहुंचना चाहते हैं इंग्लिश में कहेंगे डेस्टिनेशन भौगोलिक भौगोलिक का अर्थ होता है भूगोल से संबंधित इंग्लिश में जोग्राफिकल दिलचस्प दिलचस्प का अर्थ है मजेदार जिसमें आपको मजा आ रहा हो इंग्लिश में इंटरेस्टिंग शब्दों के लिंग बदलिए आदमी आदमी का स्त्रीलिंग है औरत इंग्लिश में मैन का वुमन राजा का स्त्रीलिंग रानी इंग्लिश में किंग का क्वीन युवक का स्त्रीलिंग युवती कबूतर का स्त्रीलिंग मादा कबूतर घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी और पत्र का स्त्रीलिंग पत्री विलोम शब्द गांव का विलोम शब्द होता है शहर इंग्लिश में विलेज एंड सिटी दुर्गम का विलोम होता है सुगम सवाल का विलोम शब्द होता है जवाब पास का विलोम होता है दूर जल्दी का विलोम होता है देरी शुरू का विलोम खत्म इंसान का विलोम शब्द होता है दानव अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ वीडियो को शेयर करना न भूलें